हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पांच दिवसीय राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आगाज मंगलवार से थार नगरी बाड़मेर में आयोजित हुआ। महोत्सव का आगाज मंगलवार सुबह 11 बजे शोभा यात्रा से हुआ। शोभा यात्रा वीर तेजाजी मंदिर जाट कॉलोनी से प्रारंभ होकर सदर थाना पुलिस से आगे से होते हुए महोत्सव स्थल वीर तेजाजी कॉलोनी टाउनशिप रोड पर पहुंची। शोभा यात्रा में साधु संत जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोग परंपरागत वेशभूषा में हिस्सा लेते नजर आए। पांच दिवसीय तेजा महोत्सव में प्रतिदिन वीर तेजाजी कथा, सम्मान समारोह, महिला सम्मेलन, शहीद सम्मान, दानदाता सम्मान, लॉटरी वितरण तथा रात्रि कालीन समय में पांच दिन तक देश के प्रसिद्ध भजन गायकों गौ भक्त ओम मुंडेल डिगरना, गजेंद्र अजमेरा, तुलछाराम भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। गौरतलब है कि 15 फरवरी को वीर तेजाजी कथा का वाचन किया जाएगा। 16 फरवरी को शहीद परिवारों का सम्मान, रात्रि में तुलछाराम भनगवा एंड पार्टी द्वारा भजन संध्या, 17 फरवरी को अलंकार वितरण के साथ ही गजेंद्र अजमेरा एंड पार्टी द्वारा भजन संध्या, 18 फरवरी को कथा वाचन, लॉटरी वितरण, तेजा गायन का आयोजन किया जाएगा। वहीं 19 फरवरी को कथा का समापन किया जाएगा। इसके साथ ही भामाशाह कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही 19 को रात्रि में जसनाथ महाराज का अग्नि नृत्य किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम में जिले ही नहीं प्रदेश भर से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।